लोक निर्माण युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रविवार भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए अनाडेल कैंची मोड़ गवाही कड़ोक संपर्क सड़क का निरीक्षण किया और भिन्न भिन्न जगहों पर टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 2 माह में हुई भारी बरसात के कारण आई आपदा से प्रदेश में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और प्रदेश की अधिकतम सड़कें अवरुद्ध हुई है जिन्हें युद्ध स्तर पर ठीक करने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 80% सड़कों को बहाल कर दिया गया है। स्थिति को सामान्य बनाने और लोगों को राहत दिलवाने और पुनर्वास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बरसात में शिमला शहर में भी भारी नुकसान देखने को मिला है। बहुत से पुराने और नए पेड़ टूटने के कारण मकानों को भी नुकसान हुआ है जिसे ठीक करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस आपदा की आड़ में शिमला शहर में कुछ लोगों द्वारा बेवजह ही पेड़ों के काटने के मामले सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में ट्री अथॉरिटी गठित की गई है जिसकी अनुमति व निरीक्षण के उपरांत ही पेड़ों का कटान किया जा सकेगा। उनको बहाल करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं हिमाचल में बहुत नुकसान अभी पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में हुआ। अब आस्ते आस्ते जो स्थिति है वो वापस सामान्यता की ओर आगे बढ़ रही है, मगर फिर भी उसमें समय लगेगा और बहुत से उसमें बजट की भी आवश्यकता है, केंद्र से सहयोग की भी आवश्यकता है और मिलकर हम उसमें पूरा प्रयास कर भी रहे हैं। जहाँ पर भी कई सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं, कहीं पे ब्रिजेस टूट गए हैं, कहीं पे बहुत जगहों पे डंगे गिर गए हैं, तो उनका हम लगातार उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं मौके पे जाकर। हिमाचल के हर कोने में भी, शिमला के ऊपरली इलाकों में भी बहुत नुकसान हुआ। शिमला शहर के अंदर इतने साल हमें भी हो गए, आप तो सब बुज़ुर्ग हैं, पर आज तक इस तरीके का मंज़र हमने शिमला में नहीं देखा। शिमला में भी कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की जान चली गई। शिव बावड़ी में जो वहाँ पे दुखद घटना हुई, तो उसमें भी आपने देखा किस तरीके से इस बारी जो एक प्रकोप कुदरत का देखने को मिला, कितने तो पेड़ कट गए। दुख भी होता है देखते हुए कि 800 के करीबन 650 या 700 पेड़ जो है वो शिमला शहर के अंदर ही कई उखड़े, कई काटने पड़े। तो ये भी हमारे लिए एक दुख की बात है कि पेड़ों को काटना भी अच्छा नहीं है, मगर अब जब जान पे बात आ जाती है तो फिर उसको करना भी पड़ता है। मगर उसमें कहीं ना कहीं उस आड़ में कई लोग ज़बरदस्ती भी पेड़ कटवा रहे थे, वो चीज़ें भी देखने को मिली। दुखद है कि एक तो इतनी घटना घटी है, ऊपर से उसमें भी आप इस तरीके की हरकतें करें, ये तो सही नहीं है। तो उस पर सरकार ने संज्ञान भी लिया है और अब एक कमेटी बनाई है कि उस कमेटी में शायद MC कमिश्नर की अध्यक्षता में है और उसमें मेयर है और 2-4 अधिकारी हैं। ट्री अथॉरिटी बनाई गई है ताकि इस तरीके की लोपिंग, चलो हो थोड़े बहुत कहीं कटाना है, कोई डेंजरस है, मगर इसकी आड़ में ऐसा नहीं है कि हम हर किसी के पेड़ काटते जाए। अब शहर में अगर इस तरीके से अगर शहर गंजा हो जाएगा तो फिर यहाँ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है और इससे सबक भी लेना है। इससे सबक लेना है कि आने वाले समय में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी नए मकान बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, उसमें सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी, सबसे पहले उसमें ड्रेनेज, सैनिटेशन और सीवरेज का सही उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है।